नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री की सीरीज में। दोस्तों ये जो पूरी सीरीज है हिस्ट्री की ये इंग्लिश में रहने वाली है, मतलब जो कंटेंट है दैट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के ऊपर हमारा सेकेंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी मटेरियल एविडेंसेस दैट एग्जिस्ट इन छत्तीसगढ़ के रीजन में या दैट वर फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसे जिसमें हमने बात की थी कि भाई कुछ हमें आर्टिफैक्ट्स मिले थे छत्तीसगढ़ के रीजन से, या फिर कुछ छत्तीसगढ़ में हमें ऐसी आर्ट रॉक आर्ट साइट्स मिली जहाँ पे हमें पेंटिंग्स देखने को मिली जो कि बिलोंग करती थी आपके पैलियोलिथिक एज से, स्टोन एज से। उसके अलावा हम लोगों ने बात की कि कुछ रॉक कट आर्किटेक्चर जैसे केव्स, जोगमर्रा केव्स, तो उन केव्स के बारे में भी हमने जाना। हमने पिछले लेक्चर में छत्तीसगढ़ के का जो टर्म है, छत्तीसगढ़ जो नाम है वो कैसे रखा गया या वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसके बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में, मतलब एक ऐसी हिस्ट्री जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। इसके अंतर्गत आपका आता है स्टोन एजेस। अगर हम बात करें स्टोन एजेस आपकी तीन चार वे में क्लासिफाई की जाती हैं, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से तीन चार कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, जैसे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, फिर उसके बाद आ जाती है मेटल एजेस आ जाती हैं जैसे चालकोलिथिक और आयरन एजेस। तो इन एजेस के कुछ साइट्स हैं जो छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट करती हैं, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री की सीरीज है इट इज दी पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज की सीरीज, मतलब छत्तीसगढ़ की जनरल नॉलेज की सीरीज में हम बात करेंगे एक एक करके, पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का सेंसस डिस्कस करेंगे, बजट डिस्कस करेंगे। सो दिस इज हाउ द ऑर्डर इज गोइंग टू बी। फाइन, छत्तीसगढ़ के जो जीके है उसके नोट्स अवेलेबल करवाए हैं, मतलब प्रिपेयर किए गए हैं स्ट्रीट जीरो की टीम के द्वारा, जैसे कि छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह, ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप में से कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है वो www.streetzero.in पे जाके उनको एक्सेस कर सकता है। नोट्स के साथ ही साथ कुछ क्विज सीरीज, मंथली क्विज, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस, मॉक टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। सो एनी ऑफ यू इफ इंटरेस्टेड कैन गो एंड विजिट www.streetzero.in। आगे बढ़ें, लेक्चर शुरू करें, उससे पहले आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है आलोक गुप्ता और ये एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू इट वंस। अच्छा, आप में से काफी लोग बोलते हैं कि सर लेक्चर्स प्राइवेट हैं, नोट्स कहाँ से लेने हैं, सर जो आप पीडीएफ से पढ़ा रहे हो वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो हर इस क्वेरी का सलूशन ये है कि इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन www.streetzero.in, और अगर कोई भी एक्सेस करने में इशू आता है सो दिस इज माय कॉन्टेक्ट नंबर 08447022777। आपको पहले बता दूं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री, बट कुछ चीजें चार्जेबल हैं और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। बट ऑन दी टॉप ऑफ इट आप लोग फर्दर बेनिफिट्स उठा सकते हैं यूजिंग दिस रेफरल कोड। ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसका इस्तेमाल करें एंड गेट बेनिफिट। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो चीजें याद रखना कि लेक्चर के दौरान मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उन क्वेश्चन के आप जवाब देके अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करें। सेकेंड थिंग इज आपको लेक्चर खत्म होने के बाद इस लेक्चर का रिव्यू करना नहीं भूलिए, मतलब रिव्यू करके बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा और इसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। नाउ हैविंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हाँ तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्री हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय प्री हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री का मेजरली क्लासिफिकेशन, वैसे तो देखिए इतिहास क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस टाइम पास्ट वाला, इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। अब हिस्ट्री का वो पोर्शन जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, लिटरेचर डेवलप नहीं हुआ है, भाषाएं डेवलप नहीं हुई हैं, तो उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे पीरियड को क्लासिफाई किया जाता है प्री हिस्टोरी पीरियड में। इस पीरियड के दौरान हमारे पास आता है इंडिया के केस में स्टोन एजेस को हमें पढ़ना होता है अपने पढ़ाई में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर दैट पार्ट। इसमें हम पढ़ते हैं स्टोन एजेस के बारे में जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, ये देख रहे हो,
नियोलिथिक एज एंड देन चालकोलिथिक एज। इनका यहाँ पे टाइम क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन एजेस के बारे में पता कैसे चलता है? तो इनके सोर्सेस होते हैं कि या तो हमें स्टोन टूल्स मिल जाएं, स्कल्पचर्स मिल जाएं, कुछ पॉटरी का आइटम मिल जाए, पेंटिंग्स मिल जाएं, आर्किटेक्चर मिल जाए कुछ, यानी केव्स वगैरह, शेल्टर्स, या मेटल के टूल्स मिल जाएं। हमारे यहाँ पे 4000 BC तक आते हैं, तब हमारी यहाँ पे स्टार्ट होती है चालकोलिथिक एज, दैट इज अ मेटल एज। उसी टाइम पे पैरेलल में हरप्पन सिविलाइजेशन का भी डेवलपमेंट होना शुरू होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन मानते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वैसे तो आप ये कह सकते हो कि सेम टाइम पीरियड है तो चालकोलिथिक कल्चर के अंतर्गत आती होगी, पर नहीं, हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज कल्चर के अंतर्गत आती है। ये था थोड़ा सा, आपको हिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। हमें तो पढ़ना है भैया छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, बिकॉज इस अगर आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी एक सीरीज बनाई हुई है, आप उसको जाके वॉच कर रहे हैं तो आपके ये जो भी डाउट्स हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, शुरू होती है अपर पैलियोलिथिक एज। अब आपने बोला, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो अभी बोला कि भैया पैलियोलिथिक एज होती है, फिर होती है मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक, तो ये अपर पैलियोलिथिक का क्या मतलब है? तो जो पैलियोलिथिक एज है इसको भी तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज अर्ली पैलियोलिथिक या अपर पैलियोलिथिक एज, देन मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड देन दी लेटर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये तीन क्लासिफिकेशन है। अगर हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो इसके एविडेंसेस छत्तीसगढ़ में मिलते हैं महानदी रिवर बेसिन में। अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में मेजरली 5 रिवर बेसिन है, महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा और ऐसे करके ये 5 बेसिन बनाए हुए हैं। तो जो महानदी बेसिन वाला एरिया है और जो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सिंघनपुर जो केव्स हैं, उन केव्स में जो पेंटिंग्स या आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो दर्शाते हैं कि ये अपर पैलियोलिथिक से रिलेटेड है। तो पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि अपर पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस छत्तीसगढ़ में कहां से मिलते हैं। अगर हम सिंघनपुर केव्स की बात करें तो यहां पे स्टोन के टूल्स देखने को मिलते हैं, और अगर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड कुछ प्लेसेस की नाम की बात करें तो जैसे बोतलदा, चपामादा, भनवर खोल, गिद्धा, सोनवर्षा, तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जो कि अपर पैलियोलिथिक के यहां पे एविडेंसेस मिले हैं या कुछ आर्टिफैक्ट मिले हैं या टूल्स मिले हैं। सिंघनपुर केव्स की बात की जाए तो याद रखना ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साइट है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था महानदी बेसिन वाला एरिया, तो ये रहा महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ में। याद रखना 5 बेसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी। ये मैं ज्योग्राफी में भी पढ़ाऊंगा लेकिन यहां पे ये एडिशनल नॉलेज है जो आप लोग याद कर लीजिए। सबसे बड़ा बेसिन अगर छत्तीसगढ़ में कोई बनाता है तो वो महानदी रिवर है। छत्तीसगढ़ का 56.2% एरिया में इसका बेसिन कवर होता है। फिर आती है गोदावरी सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे गोदावरी, ये नीचे बस्तर वाला जो रीजन है दैट इज गोदावरी बेसिन। थर्ड इज गंगा बेसिन जो कि ऊपर वाला यानी नॉर्थ वाला जो छत्तीसगढ़ है वहां पे गंगा बेसिन है। फिर फोर्थ पे आएगा आपका नर्मदा बेसिन जो एकदम बहुत छोटा सा पोर्शन है, दैट इज नर्मदा बेसिन। एंड देन ब्राह्मणी जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में आता है। क्लियर हो गया, तो हमने बात कर ली अपर पैलियोलिथिक के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, महानदी बेसिन या फिर आपकी जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सिंघनपुर केव्स हैं वहां से। अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज की। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज के जो एविडेंसेस हैं, मिडिल पैलियोलिथिक एज जानी जाती है अपने स्टोन टूल्स, उसके स्टोन टूल्स की एक खास बात थी ये फ्लेक्स स्टाइल में थे। फ्लेक्स यानी थोड़े से पैने हैं, आप देख रहे हो थोड़े से पैने हैं, इस टाइप के स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होता था मिडिल पैलियोलिथिक एज में। इस ये फ्लेक्स मिलते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अगेन। उसके अलावा क्रीशेंट शेप्ड के माइक्रोलिथ टूल्स भी मिलते हैं। माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे हैंडी टूल्स, क्योंकि अपर पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स इस्तेमाल होते थे वो काफी बड़े और उनके एजेस ज्यादा शार्प नहीं हुआ करते थे। उसके अलावा कुछ पेंटेड केप्स भी मिलती हैं इस एज की। तो याद रखना मिडिल पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस कहां से मिलेंगे, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसकी लोकेशन ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुका हूं। अच्छा, अगर बात करें कौन सी ऐसी जगह है जो मिडिल पैलियोलिथिक एज से एसोसिएटेड है, उनके नाम है जैसे कालीपुर, फिर है गदा घूगरा, फिर है
खड़ा घाट, फिर है घड़ा चंडेला, घट लोहांग, भत्तेबाड़ा एंड राजपुर। एक दो जगहों के तो नाम बिल्कुल याद रखना। ऐसा अगर मान लीजिए आपके मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि भैया राइट अ ब्रीफ प्री हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, तो आपको एक दो जगह तो साइट करनी होंगी। ठीक है, इन्हीं सारी जगहों को आप इस मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी जगह आपको यहां पे दिख रही होंगी, तो प्लीज इनको एक बार नोटिस करते जाइए। क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिर से ये अपर पैलियोलिथिक एज आ गया, सॉरी ये लेटर पैलियोलिथिक एज होगा। इसके टूल्स मिलते हैं हमें महानदी बेसिन, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सिंगनपुर केव्स और बिलासपुर के धानपुर वाली जगह से। तो जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, देखिए जो पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लोअर, मिडिल एंड अपर। जो सबसे पहली वाली थी वो लोअर वाली थी, यानी जिसको हम लोग अर्ली पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, देन मिडिल एंड देन अपर। ठीक है, उसके बाद आती है मेसोलिथिक एज 12 से 10,000 BC, फिर आती है नियोलिथिक एज जो आती है 10,000 से 5,000 या 6,000 BC, जैसा भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये टाइमलाइन में थोड़ा सा वेरिएशन हर जगह देखने को मिलता है। और फिर आती है ब्रॉन्ज और आयरन एज। ब्रॉन्ज एज पहले आती है, फिर उसके बाद आती है आपकी आयरन एज। और क्या क्या डिफरेंस हुआ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक में, तो जस्ट आप लोग किसी और सोर्स पे ना जाएं, वो आप यहां से देख सकते हैं कि पैलियोलिथिक में आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, फूड ऑप्टेन करने के तरीके क्या थे, या सराउंडिंग्स को के साथ डील करना या उस सराउंडिंग में रहने के क्या तरीके अपनाए जाते थे, तो वो चीजें आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे कि पैलियोलिथिक के टाइम पे केव वॉल्स को पेंट करते थे, पेंटेड एनिमल्स वगैरह रहते थे, लेकिन मेसोलिथिक में पॉटरी और केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। नियोलिथिक में पॉटरी तो देखने को मिलती ही मिलती है, उसके अलावा वुड के कुछ ऑब्जेक्ट, शेल्टर, टूम्स वगैरह देखने को मिलती हैं। पैलियोलिथिक में फूड ऑप्टेन करने के तरीके थे कि भैया आप सिर्फ हंटर या गैदरर्स के तौर पे वो लोग काम करते थे। मेसोलिथिक में क्या हुआ, हंटर और गैदरर तो है ही हैं, थोड़ा सा फूड भी स्टोर करना शुरू कर दिया क्योंकि पॉटरी शुरू हो गई थी, पॉट्स बनाने शुरू कर दिए थे। और नियोलिथिक में तो सीधी फार्मिंग शुरू कर दी, सेटल्ड लाइफ आ गई, विलेज लाइफ शुरू हो गई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया। अगर हम बात करें कि जो सराउंडिंग है उसमें वो लोग रहते कैसे थे, तो सराउंडिंग में रहने का तरीका ये था कि भैया वो लोग टूल्स बना लेते थे कुछ भी, जैसे गुफाएं वगैरह में रहते थे। मेसोलिथिक में क्या हुआ, थोड़े से विलेज वगैरह डेवलप होना शुरू हुए, और फिर नियोलिथिक एज में तो सीधे घर बनाना शुरू कर दिया। तो अभी हमने देखा अर्ली पैलियोलिथिक एज के एविडेंस कहां से मिलते हैं, उसके बाद लेटर, सॉरी उसके बाद मिडिल, और देन उसके बाद लेटर वाला, यानी जिसको हम अपर पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। इसको प्लीज चेंज कर लेना, यहां पे ये चेंज करना भूल गया, दिस इज लोअर पैलियोलिथिक एज, दिस इज लोअर पैलियोलिथिक एज, पहला वाला लोअर पैलियोलिथिक एज था। अब हम आगे चलते हैं, तो पैलियोलिथिक एज खत्म हो गई, तो अब क्या आएगा, नियोलिथिक एज पे आते हैं। देखिए पैलियोलिथिक एज कब खत्म होती है और कब मेसोलिथिक एज स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ में, उसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, इसीलिए उसको स्किप किया गया है। अब नियोलिथिक एज के एविडेंस मिलते हैं, जैसे अर्जुनी करके एक जगह है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, वहां से चितवा डोंगरी करके, राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट में एक चितवा डोंगरी करके जगह है, वहां से एविडेंस मिलते हैं। तेराम ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, दुर्ग, दुर्ग आपका यहां पर कहीं पर आएगा, ये रहा आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। रायगढ़, अगर हम बात करते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, तो वो यहां पे रहा आपका। क्लियर है? राजनंदगांव की बात करें हम लोग, तो इट इज समवेयर दिस हियर। ठीक है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री भी बनाता है, तो ये एकदम बाउंड्री वाला आपका क्या कहते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। रायगढ़ भी जो है वो बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट है, जो कि उड़ीसा के साथ आपका क्या कहते हैं, बॉर्डर बनाता है। दुर्ग हो गया, उसके अलावा बॉन्टीला, ये भी राजनांदगांव में ही है। यहाँ पे न्यूलिथिक एज की एक्स देखने को मिलती है, यानी जिसको वो नहीं बोलते, एक्स आपको पता होगा, तो दैट इज फाउंड ओवर हियर। धानपुर जगह है बिलासपुर में, यहाँ पे हैंड एक्स देखने को मिलती है। बिलासपुर कहाँ पे रहा, ये रहा आपका बिलासपुर। बिलासपुर मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो ये चार जगहों को याद रखना कि यहाँ से न्यूलिथिक के एविडेंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ नियोलिथिक मैन के फीचर्स भी लिखे हुए हैं, क्योंकि क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो नियोलिथिक के टाइम से एविडेंसेस जो मिलने शुरू हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर के एविडेंस मिल जाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के मिल जाते हैं, घर,
यूटेंसिल्स, ये सारी चीजें। नियोलिथिक का जो आदमी था उसने कपड़े को वीव करना यानी कॉटन को वीव करना भी शुरू कर दिया था, तो उससे भी एविडेंस मिल जाते हैं। और केव्स में पेंटिंग देखी जा सकती हैं। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ नियोलिथिक। हमने सबसे पहले देखा अर्ली, मिडिल, देन आए गए हम लोग अपर, यानी जिसको हम लोग लेटर पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। उसके बाद मेसोलिथिक का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता छत्तीसगढ़ में कब पैलियोलिथिक एज खत्म होती है और कब मेसोलिथिक एज स्टार्ट होती है, देयर इज नो क्लियर एविडेंस। फिर हमने बात की नियोलिथिक एज की, जो कि हमें चार डिस्ट्रिक्ट में जिसके एविडेंस देखने को मिले, दुर्ग, राजनंदगांव, रायगढ़, और उसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट बताया था, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं चालकोलिथिक एज के बारे में और आयरन एज के बारे में। चालकोलिथिक और आयरन एज के एविडेंस जैसे कि मिलते हैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का करकाभट्टा। करकाभट्टा में क्या मिलता है, स्टोन हेज देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ और भी टूल्स मिलते हैं आयरन के, और पॉटरी देखने को मिलती है। ठीक है, चालकोलिथिक एज का टाइम पीरियड याद रखें 4000 BC से शुरू हो गया था। और अगर हम लोग आयरन एज की बात करें तो आयरन एज तो काफ़ी लेट में, जैसे 1000 BC के अराउंड ये शुरू होती है, तो आयरन एज का तो टाइम काफ़ी लेट है। फिर है धनोरा। धनोरा में कम से कम 500 मेमोरियल देखने को मिले, मेमोरियल माने ग्रेव्स देखने को मिली धनोरा में। अगर हम बात करें ये जो जितने भी एविडेंसेस को या टूल्स को फिगर आउट किया या डिस्कवर किया, सर्वेयर्स के नाम है जैसे J.R. कांबले और डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्रा। उसके अलावा जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में करही भादर चिरचारी एंड सोरार करके जगह है, वहां पे भी आयरन के टूल्स देखने को मिलते हैं। और जो ग्रेव्स हैं, इन ग्रेव्स को याद रखना, इनको क्या बोला जाता था, मेगालिथ पटुम्बा डॉलमेन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मेगालिथ पटुम्बा या डॉलमेन क्या चीज है, तो ये ग्रेव्स को बस लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता था। तो याद रखना चालकोलिथिक और आयरन एज के मेन एविडेंसेस मिलते हैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। और सर्वेयर के नाम याद रखना कांबले और रमेंद्रनाथ मिश्रा। क्लियर है? तो करकाभट्टा दुर्ग में, यहाँ पे स्टोन हेज देखने को मिलती है और आयरन के टूल्स बहुत सारे इस टाइम पीरियड के, बहुत सारे ग्रेव्स देखने को मिलते हैं। ग्रेव्स यानी जो दफनाने वाली जगह जिसको बोलते हैं, तो वो धनौरा में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? तो ये चालकोलिथिक और आयरन एज की समाप्ति है। देखिए मेगालिथ का मतलब क्या होता है, मेगा एक्चुअली क्या है, मेगालिथिक कल्चर जो है वो चालकोलिथिक के ही पैरेलल में चल रहा था। डिफरेंस ये है कि मेगालिथिक कल्चर जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सदर्न पोर्शन में ज़्यादा था देखने को मिलता है। और इसमें हुआ क्या था, इसमें क्या करते थे, जो भी ग्रेव बनाते थे उसके बगल में बहुत बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, इसीलिए मेगा माने लार्ज स्टोन। तो लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स एक तरीके से देखे जा सकते हैं मेगालिथिक कल्चर में। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में मेगालिथिक कल्चर का प्रेजेंस माना जाता है। और इसके बाद यही एक ऐसी चीज़ है जो दो थ्योरीज को भी प्रूव करती है। एक तो आर्यंस जो आए थे, आर्यंस जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्लेस किया था, तो ऐसा बोला जाता है। उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो माइग्रेट करके छत्तीसगढ़ वाले रीजन में या बस्तर रीजन में आ गए होंगे। इस थ्योरी को भी प्रूव करता है ये मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिक्स्थ है शेल्टर्स। कुछ शेल्टर्स देखने को मिलते हैं, कुछ रहने वाली जगह या कुछ कह लो आप गुफाएं, इस टाइप की जगह देखने को मिलती हैं। जैसे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ शेल्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शेल्टर्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे डिस्कवर्स ने सिंघनपुर जो केव्स हैं और काबरा पहाड़ केव्स हैं वहाँ पे बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स को भी फिगर आउट किया है। जो काबरा पहाड़ की पेंटिंग्स हैं वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को बनाया गया है, किस रेड कलर में, ठीक है, और एनिमल्स कौन कौन से, जैसे लिजार्ड, घड़ियाल, सांभर। राजनंद गांव का जो चितवा डोंगरी जगह है वहाँ पर भी काफ़ी शेल्टर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा रायगढ़ की जैसे जगह कुछ बासना झार, ऊंगना, करमागढ़, लिंक भाद्दा, तो यहाँ पे भी बहुत सारे सीरीज ऑफ शेल्टर्स देखे गए हैं। अगर एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये कि राजनंद गांव की जो चितवा डोंगरी शेल्टर्स हैं इनको फाउंड किया गया था श्री भगवान दास सिंह बघेल और डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्रा जी के द्वारा। ये वही हैं रमेंद्र नाथ मिश्रा जिन्होंने आयरन एज के जो टूल्स वगैरह को दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किया था। ठीक है, तो राजनंद गांव का चितवा डोंगरी जो जगह है वहाँ पे शेल्टर्स को फाउंड करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन का नाम क्या है, श्री भगवान दास सिंह बघेल एंड रविंद्र नाथ मिश्रा।
अब अभी ये तो हो गई बहुत ज्यादा पास्ट की बात, अभी 2019 की बात है, जून 2019 की बात है, रिसेंट डिस्कवरी है, जब छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जो कैपिटल है रायपुर, वहां पे 1800 साल पुराने ओल्ड ब्रिक्स और एक माउंड मिला है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मतलब संभावना है कि क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट ऐसे आ जाए कि भैया रिसेंटली ओल्ड ब्रिक्स एंड माउंड वर फाउंड इन छत्तीसगढ़ वेयर, वो जगह आपको पता होनी चाहिए, सो दैट इज रायपुर। क्लियर है? चलिए अगर हम बात करें इस डिस्कवरी के बारे में, देखिए ये जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होती हैं, व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती हैं हमारी हिस्ट्री को, जो हिस्ट्री है उसको कनेक्ट या कंटिन्यूअस बनाने के लिए, उसके मतलब डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमें अपने पास्ट के पूर्वजों के बारे में पता चलता है कि भैया उनको क्या दिक्कतें हुई या उन्होंने अपनी दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया, तो इसीलिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर इस डिस्कवरी की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले राय ये मिली कहाँ पे, डिस्कवरी हुई कहाँ पे, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, एक गाँव है जिसका नाम है रीवा, ये रहा वो जगह यहाँ पे ये डिस्कवरी की गई है। ठीक है, रीवा जगह पे डिस्कवरी की गई है 1800 साल पुरानी ब्रिक्स और माउंड की, कुछ इस टाइप की वो साइट दिखती है, देख रहे हो इस टाइप की ये साइट दिखती है। अगर हम इस जो ये एक्सकवेशन किया गया है इसकी अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मिली एक एंशियंट वॉल, यानी एक दीवार मिली बहुत पुरानी। ये एक्सकवेशन किया किसके द्वारा गया था? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल साइंस के द्वारा। मिला क्या है? ओल्ड ब्रिक और कुछ एंटीक्स मिले हैं, एंटीक्स मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि एक्सकवेशन कहाँ हुआ, किसने किया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है? तो जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि भैया फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी के रिमेन्स, उसके अलावा यहाँ पे हमें सॉइल टाइप, फॉसिल्स, एंशियंट सिटाडेल्स और हैबिटेट देखने को मिलते हैं। सिटाडेल एक तरीके से आप समझ लो किला टाइप का है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे इस साइट के आसपास एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सेंटर रहा होगा कभी ना कभी। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह की डिटेल दी हुई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं माउंड बोल रहा हूँ वो एक माउंड मिला है। माउंड क्या होता है, एक तरीके से जहाँ पे हम लोग अस्थियाँ वगैरह रखते हैं ना, वो वैसा कुछ एक माउंड मिला है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे स्तूपा वर्शिप की जाती होगी। स्तूपास, ये वही स्तूपास हैं जिनको अशोकास ने बनवाना शुरू किया था। ये स्तूपास वही स्तूपास हैं जो बुद्धिज्म में एक होली श्राइन या होली प्लेस के तौर पे पूजे जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी ये स्तूपा की वर्शिप की जाती होगी। अब अगर ये स्तूपा मिला है या स्तूपा टाइप का शेप मिला है, एक्चुअल इस टाइप का कुछ मिला है जिसको हम लोग स्तूपा समझ रहे हैं, तो ऐसा माना गया है कि ये जो सेटलमेंट है ये बिगिन हुआ होगा मौर्यन पीरियड के टाइम पे, सेकेंड थर्ड सेंचुरी BC, क्योंकि जो स्तूपास बनाए गए थे वो अशोका या मौर्यन पीरियड से ही शुरू होते हैं मेनली। उसके अलावा ऐसा भी बोला गया है कि टेम्पल्स कुड हैव बीन बिल्ट हेयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोमवंशी रूलर्स इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे ऐसी भी संभावनाएं हैं कि यहाँ पे मंदिर भी बनाया गया होगा या बना होगा। ठीक है, तो इन्हीं सारे एविडेंसेस की मदद से हम छत्तीसगढ़ का एंशियंट पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस एक्सकवेशन के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए और इसके ऊपर प्रिलिम्स और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना रहेगी 2020-2021 के एग्जाम्स में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारा जो प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है आज वो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेदिक एज से लेके, पहले बता देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में बात कर रहे हैं हम लोग वेदिक एज से लेके सतवाहाना डायनेस्टी जो थी, तो छत्तीसगढ़ में कैसे डेवलपमेंट हुआ या क्या डेवलपमेंट होता रहा इस टाइम पीरियड में। वेदिक एज को माना जाता है जो 1500 BC से शुरू होता है और चलता कुछ है 500 या 600 BC तक। उसके बाद शुरू होता है आपका महाजनपदा पीरियड जो कि 600 BC से लेकर 300 BC तक चलता है। उसके बाद मगध एम्पायर इमर्ज होती है, वहाँ पे हरणक्या डायनेस्टी आती है, मौर्यन डायनेस्टी आती है, फिर कुछ ग्रीक इन्वेजन्स वगैरह होते हैं, कुशांस वगैरह आ जाते हैं। कुशांस के बाद आपका कुशान का पीरियड समाप्त होगा, फिर थोड़ा सा ब्लैंक पीरियड रहेगा, फिर गुप्ता डायनेस्टी आएगी। तो इस तरीके से हम बात करेंगे और इसी पीरियड के में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। अब आज का अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे कि
छत्तीसगढ़ में कैलाश केव्स हैं, कैलाश केव्स, ये बताइए ये कैलाश केव्स छत्तीसगढ़ में कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं। सेकंड थिंग, सेकंड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का एक वाटरफॉल बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज चित्रकूट फॉल्स, ये बताइए चित्रकूट फॉल्स छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी ने विजिट किया था, ठीक है, वो कुछ कांगेर वैली का प्रोजेक्ट चल रहा था, सॉरी कांगेर रेविलियन चल रहा था, उसको सपोर्ट करने के लिए, कांगेर सत्याग्रह को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बताइए छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की जो विजिट थी, पहले तो ये सोचो एक बार आए थे या दो बार आए थे, उसके बाद आए थे तो वो कब आए थे, अगर एक बार आए थे छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी तो कब आए थे, और अगर दो बार आए थे तो वो कब कब आए थे। ये मैंने आपसे तीन चार क्वेश्चंस पूछे, इनके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है, और लेक्चर को रिव्यू कर लेना। चलिए मूव करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है काफ़ी पसंद आया होगा, और ये जो छत्तीसगढ़ की जीके की लेक्चर सीरीज़ है वो आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे इस ईमेल आईडी पे मेल करके अपने डाउट को क्लेरिफाई कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। प्लस आप लोग अपनी तरफ से जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस के जवाब दें और अपना पार्टिसिपेशन शो करें। अगर आपको और कोई भी डाउट हो, चाहे प्रिपरेशन रिलेटेड हो, एग्जाम रिलेटेड हो, तो भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। आपको एक ही काम करना है, एक तो आपको अपने रिव्यू छोड़ने हैं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है या ये लेक्चर कैसा लगा, तो ये आप अपने रिव्यू लाइक डिसलाइक या कमेंट करके दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप अगर आपको कोई भी कंटेंट या रिसोर्सेज या पीडीएफ वगैरह को एक्सेस करना है तो आप स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट जो कि www.straightzero.in है उस पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सो पेशेंटली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, देखते रहिए, ऑल द बेस्ट एंड दस विदानियां।